हेलो एवरीबॉडी, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। और मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे मेरे लेक्चर्स को, मेरे टॉपिक को, मेरे डिस्कशन को इतना पसंद करेंगी। तो थैंक यू सो मच, और आपके फीडबैक का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो आइए आज हम जानते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, समझते हैं एक नई चीज़ के बारे में। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो ना सिर्फ हमारी जानकारी के लिए भी उपयोगी है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद उपयोगी है। यानी कि अगर मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में तो ये है ही, इसके साथ ही साथ नेट के एग्जाम में भी ये सवाल आते हैं इस टॉपिक से, और साथ ही साथ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी हो और बाकी कोई भी ऐसे रेलवे या एसएससी के एग्जाम्स में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और पेन और कॉपी जरूर रखिए अपने साथ, क्योंकि मेरे टॉपिक में, मेरे आज के डिस्कशन में कई इंपॉर्टेंट पहलुओं पर डिस्कशन होगा। तो आज का जो टॉपिक है अब इसको रिवील किया जाए, और आज का टॉपिक है हमारा इंडियन सिनेमा। जी हाँ, इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा पे आज हम बात करेंगे। आज हम उसकी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, और उसके कई पहलुओं को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम इंडियन सिनेमा के बारे में। और कहीं ना कहीं जब आपसे कोई भी ये सवाल पूछे कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, तो आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए, और वो है दादा साहेब फाल्के। जी हाँ, यानी कि दादा साहेब फाल्के को कहीं ना कहीं कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और सही कहा जाता है, क्योंकि सिनेमा को यहाँ तक, यानी इंडियन इंडिया तक लाने में जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है दादा साहेब फाल्के। तो हम इंडियन सिनेमा के उस पहलू पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रकाश डालते हैं हम दादा साहेब फाल्के पर। जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के है को कौन, और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनका हमारे भारतीय सिनेमा पर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दादा साहेब फाल्के जो नाम है उनका असली नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। जी हाँ, धुंधीराज गोविंद फाल्के ये उनका नाम है, और इनके नाम के साथ कई सारी चीजें और भी जुड़ी हुई हैं। इनके नाम पर हमें अवार्ड भी दिया जाता है। इंडियन सिनेमा का एक सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड जो होता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपाधि है दादा साहेब फाल्के के नाम पर अवार्ड दिए जाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो दादा साहेब फाल्के का जो ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसका उस फेज को साइलेंट सिनेमा का फेज कहा जाता है, यानी कि मूक सिनेमा। उसमें डायलॉग्स नहीं होते, उसमें उसमें कोई बोली नहीं जाती, यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ आपके एक्शन ओरिएंटेड, आपके मूवमेंट ओरिएंटेड ये सिनेमा रहती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। तो ये वक्त है दादा साहेब फाल्के की मूवी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि सबसे पहली मूवी जो दस्तक दी हमारे इंडियन सिनेमा में उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ, राजा हरिश्चंद्र नाम है उस मूवी का, जो इंडियन सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, और इसे इंडियन सिनेमा की पहली मूवी का उपाधि हासिल हुआ। तो ये मूवी कब आई, ये मूवी आई 3 मई 1913, यानी कि 3 मई 1913 को इस मूवी ने भारतीय सिनेमा में दस्तक दिया, और इसके साथ एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित हुआ। इस मूवी के नाम पर कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहास के पहलू भी जुड़े हुए हैं, उस पे आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी को बनाने में जो वक्त लगा वो 7 महीने 21 दिन का वक्त था, यानी 7 months 21 days, बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो ये 7 महीना 21 दिन लगा, और ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि भारतीय सिनेमा की पहली मूवी थी, और इसके लिए फिनेंशियल तरीके से, कास्ट एंड क्रू के तरीके से, और बाकी तमाम इक्विपमेंट्स के रूप में कई तरीके की पहलुएं जुड़ी हुई थी इस सिनेमा से। तो ये वक्त तो लगना बिल्कुल जायज है। इसके साथ ही साथ ये मूवी जो है वो 40 मिनट की मूवी है, यानी 40 मिनट्स की ये मूवी है, और इस मूवी को बनाने में जो खर्च आया उस वक्त, यानी 1913 के वक्त, वो था 20,000 रुपये, यानी 20,000 इस मूवी को बनाने का पूरा बजट था, जिसमें कि कास्ट एंड क्रू के भी शायद फीस इसमें इंक्लूडेड है। और आगे की चीजों को मैं बताती हूँ कि ये जो मूवी थी कहीं ना कहीं की जो महाराष्ट्र, क्योंकि दादा साहेब फाल्के मराठी रहे, और उन्होंने उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, दादा साहेब फाल्के के बारे में कि वो महाराष्ट्रीय परिवार में उनका जन्म हुआ, और हमेशा से क्रिएटिव स्वभाव के रहे, वो हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहें, इसीलिए आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिकुलेशन के बाद
उन्होंने ड्राइंग का कोर्स किया, जी हाँ, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में उन्होंने ड्राइंग का कोर्स किया, और इस ड्राइंग के कोर्स में उन्होंने उन्हें बहुत तरीके के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स मिले, उनके नाम पे कई अवार्ड्स, कई अचीवमेंट उनको दिए गए, और उनका इंकरेजमेंट इस रुचि में, यानी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने की रुचि में हमेशा से बढ़ता आ रहा, और इसीलिए फिर आगे की पढ़ाई वो कहीं ना कहीं अपनी ड्राइंग की चीज़ों को वो आगे बढ़ाते रहे, उसमें तमाम तरीके के नए कह सकते हैं रिसर्च करते रहे, उन्हें बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, और आगे चलकर उन्होंने वो जब मूवीज देखना शुरू किए, यानी कि मूवीज का दौर उस वक्त हॉलीवुड की मूवीज जब आ रही थी, जिसमें दो मुख्य मूवीज का नाम अंकित है, वो एक है कि अमेजिंग एनिमल्स और द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ये दो मूवीज ऐसी रही जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो दादा साहेब फाल्के के दिमाग में छोड़ा, खासकर लाइफ ऑफ क्राइस्ट जो उन्होंने मूवी देखी, उस मूवी को उन्होंने वो अपने पूरे फैमिली के साथ देखने गए थे, पहले तो वो मूवी वो अपने पूरे फैमिली के साथ देखी, उसके बाद उस मूवी को देखने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग उनको लगा, उसके बाद वो अकेले भी उस मूवी को देखने गए, और ये भी कहा जाता है इतिहास के पन्ने में कि मूवीज को देखने का जो चस्का उनको लगा वो इतना ज्यादा था कि वो हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटे वो मूवीज देखना शुरू करने लगे, जी हाँ, 4 से 5 घंटे वो किसी तरीके से पैसे वैसे अरेंज करके वो मूवीज जाते थे देखने के लिए, और ये भी कहा जाता था कि वो देखने के क्रम में उनकी आंखें भी खराब हो गई और उनको कैटरेक्ट का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, और बहुत मोटी चश्मे का उन्हें बहुत ही इनिशियल टाइम पे ही उनको यूज करना पड़ा, यानी मूवीज देखते देखते उन्होंने अपनी आंखें भी खराब कर ली थी, तो इसी मूवीज देखने के क्रम में उन्होंने जब लाइफ ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा, तो उस लाइफ ऑफ क्राइस्ट मूवी को देखने के क्रम में उनके पास जब क्राइस्ट को उन्होंने देखा, यानी जीसस को जब उन्होंने देखा, तो उनके दिमाग में जो छवि उत्पन्न हुई वो राम और कृष्णा की हुई, उसके बाद उनके दिमाग में एक सुरूर सा छा गया कि अब उन्हें भी कुछ ऐसी ही मूवी बनानी है जो थोड़ा माइथोलॉजिकल हो, और इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो फिर आगे बढ़ गए लंदन की तरफ, यानी कि लंदन की तरफ वो रवाना हुए, लेकिन इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जुनून तो था लेकिन हाथ में पैसे नहीं थे, और हाथ में पैसे नहीं थे तो उन्होंने कई तरीके के जुगाड़ करने पड़े, कई दोस्तों से उन्होंने उधार लिया, अपनी कुछ चीजों को उन्होंने गिरवी रखकर वो गए लंदन, वहां उन्होंने सिनेमा को बारीकी से समझने की कोशिश की, बहुत ही परखे वो सिनेमा को, उनके इक्विपमेंट्स को समझे, उनके पूरे टेक्निक्स को समझने की कोशिश की उन्होंने, और फिर जब वो वापस आए, यानी कि जब वो इंडिया वापस आए, तो उनके दिमाग में एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो राजा हरिश्चंद्र उस उनके दिमाग में था, और साथ ही साथ दिमाग में ये भी था कि उसकी कास्ट कौन कौन क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से रोल, कौन कौन क्या क्या होना चाहिए, तो कास्ट के ही अनुरूप उन्होंने फिर फाइनली आगे न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, जिसमें उन्हें कास्टिंग के लिए लोगों की जरूरत थी, और लोगों की जरूरत के लिए उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट डाला न्यूज़पेपर में, और उसमें कई तरीके के रिस्पॉन्स उनको अच्छे मिले, लेकिन जहां एक बहुत ही वीक रिस्पॉन्स मिला वो रिस्पॉन्स था तारामती के रोल के लिए, यानी कि उनकी एक मुख्य उनकी जो फिल्म के लिए एक मुख्य भूमिका में एक रोल था, जो रोल का नाम था तारामती, तारामती एक महिला प्रधान एक रोल था जिनके लिए उन्हें एक महिला चेहरे की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कोई भी महिला चेहरे चेहरा जो था वो आगे बढ़कर नहीं आई, यानी कि महिलाएं उस वक्त इन तमाम चीजों में आगे बढ़कर नहीं आती थी, और फाइनली उन्हें बहुत तरीके की उन्होंने दाव पेच लगाए, और फाइनली ऐसा हुआ कि उन्हें कोई भी महिला नहीं मिली तारामती के रोल को प्ले करने के लिए, और आखिरकार ये कहानी इसलिए और भी दिलचस्प हो गई क्योंकि आखिरकार उन्होंने उस तारामती के रोल के लिए उन्हें एक्ट्रेस तो मिली, लेकिन वो एक्ट्रेस एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि वो एक मेल पर्सन को उन्होंने एक्ट्रेस बनाया, जी हाँ, यानी कि अन्ना सालुंके जो तारामती के रोल के लिए फिट किया गया वो एक्चुअली एक एक्ट्रेस नहीं, वो एक एक्टर थे, और एक्टर नहीं बल्कि एक कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट के एक कुक है, तारामती का के रोल के लिए जिन्हें अन्ना सालुंके को लिया गया वो रेस्टोरेंट के एक कुक थे, और उन्हें वहां से लिया गया और फिट किया गया तारामती के रोल के लिए, लेकिन जब वो मूवी का जो दौर शुरू हुआ और जब लोगों ने उसे देखा तो किसी को यह यकीन नहीं हुआ
कि तारामती का जो रोल प्ले किया गया वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का थी। जी हाँ, ऐसा ही कन्फ्यूजन वहां पर भी लोगों को हुआ। तो ऐसा हुआ तो तारामती का रोल जो था उन्हें फिट किया गया, यानी अन्ना सालुंके के, याद रखिएगा ये नाम, तारामती का जो रोल प्ले किया गया उसका नाम था अन्ना सालुंके, जो कि एक रेस्टोरेंट में कुक थे। तो इस तरीके से, और खासकर एक खास बात ये भी थी कि इस किरदार के लिए एक राजा के बेटे की जो भूमिका निभाई वो खुद दादा साहेब फाल्के के अपने बेटे ने बच्चे की भूमिका को प्ले किया वहां पर। तो इस तरीके से मूवी को बनाया गया। और वो जो एरा था, यानी कि जो साइलेंट मूवी का जो एरा शुरू हुआ वो दादा साहेब फाल्के ने शुरू किया, और उस वक्त इस तरीके की तमाम फिल्में बनती गईं और उसे बहुत अप्रिशिएट किया गया। और फाइनली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार फिल्में, एक फिल्म हिट होने के बाद ये जो फिल्म थी यानी राजा हरिश्चंद्र, बहुत हिट हुई। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी है इस बीच में कि कई लोग ये भी कहते हैं, और इतिहास में एक फिल्म का नाम दर्ज है जिसका नाम है श्री पुंडलिक, और ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र से पहले आई, यानी 1913 में राजा हरिश्चंद्र आई और श्री पुंडलिक 1912 में आई। सो 1914 और 1912, तो 1913 और 1912 ये जो फेस था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं श्री पुंडलिक की जो फिल्म थी वो, क्योंकि वो भी इंडियन फिल्म मेकर ने ही बनाया था उन्हें, लेकिन उसे इंडियन फिल्म की उपाधि नहीं मिल पाई। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इसलिए नहीं मिल पाई श्री पुंडलिक को नहीं पहली इंडियन फिल्म की उपाधि, क्योंकि सारी चीजें इंडियन थी लेकिन उनके जो कैमरामैन थे, शायद उनका नाम जॉनसन था, वो कैमरामैन थे विदेशी कैमरामैन होने के कारण उस फिल्म को भारतीय फिल्म की उपाधि नहीं मिल पाई। और फिल्म के बनने के बाद उसके एडिटिंग के पार्ट्स जो थे और उन तमाम टेक्निक्स के बारे में जो कहा जाता है, टेक्निक्स के बारे में, वो भी शायद उसकी प्रोसेसिंग भी लंदन में हुई। तो ये इस वजह, ये कहा गया है ये कुछ खास वजह है जिसे श्री पुंडलिक को पहली फिल्म, पहली भारतीय फिल्म की उपाधि नहीं मिल पाई। तो ये थी हमारी, यानी कि इंडियन सिनेमा के सीरीज का पहला पार्ट जो मैंने आज आपको बताया, यानी कि मुख्य चीजें आप याद रखिएगा। और ये जो सीरीज है ये शुरू हुआ है, नेक्स्ट सीरीज में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगी। तो ये कुल 3-4 सीरीज में आपको इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को कंप्लीट कवर करूंगी, और इसको ध्यान से देखिएगा और अपने फीडबैक को जरूर मेरे जो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलते हैं हम, तब तक मैं नेक्स्ट सीरीज की भी तैयारी कर लूँ। डन, बाय बाय।